लाइट ऑफ नेशन में श्रोताओं का स्वागत है। मैं मधुबाला, आइए आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि मैं मौजूद हूँ अभी हिमाचल प्रदेश के मशहूर अटल टनल के साउथ पोर्टल में। तमाम जानकारी आपको देना चाहती हूँ कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एकता अवाम श्रद्धा जल आयोजन किया गया है, जिसमें लद्दाख के बीआरओ स्कूल एंड सेंटर पुणे जा रहे हैं। साथ ही अटल टनल में प्रोजेक्ट योजक इस रैली को हरी झंडी देकर इन्होंने यहां से रवाना कर दिया है। देखते रहे लाइट ऑफ नेशन की खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं जो सारे मीडिया बंधु हैं उन सबका स्वागत करता हूं अटल टनल पे। आज जो हमारी एकता और जो क्या है श्रद्धांजलि, एकता और श्रद्धांजलि अभियान की जो रैली है उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा आपको पता है कि ये जो रैली है इसका जो एक विजन या जो इसकी जो पहल की गई थी हमारे डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल उनके द्वारा इसकी पहल की गई थी। इसका जो बेसिक एम है जैसा आप जानते हैं इसका जो शीर्षक है एकता और श्रद्धांजलि अभियान रैली, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पहली चीज़ तो जो हमारे लोग हैं फार फ्लंग एरिया में काम करते हैं और जो वहाँ लोग हैं जो लोकल्स हैं वो उनसे कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये जो रैली है इसके पीछे एक जो मकसद है कि जहाँ से भी रैली गुजरेगी, जैसा कि ये स्टार्ट हुआ है सियोक से स्टार्ट हुआ डीबीओ से फ्लैग ऑफ हुआ है रैली का, तो एक रिमोट एरिया है लेह लद्दाख का, वहाँ से स्टार्ट किया गया है और रास्ते में जितने लोग थे उनसे इंट्रैक्शन करते हुए ये रैली आगे बढ़ी है। उनसे उनके बारे में जानकारी लिया गया है, उनकी जो दिक्कतें हैं उनसे, और जो बीआरओ है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है उनसे एरिया में उनको एक तरह से इंटीग्रेट करने के लिए, तो ये इसका इसके पीछे मकसद है। तो ये 24 तारीख को जो रैली है ये इसकी फ्लैग ऑफ हुआ था डीबीओ से और उसका जो एक जो फर्स्ट जो इसका पड़ाव था वो लेह में पड़ाव करना पड़ा था पदम में। उसके पीछे वजह ये थी कि सिंकुला जो है पास वो खुल नहीं पाया था और उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा था उसको खोलने के लिए। कल पूरी रात काम किया करना पड़ा और तकरीबन 1 बजे के बाद जाके ये जो रैली है वहाँ से क्रॉस कर पाई। तो आप समझ सकते हैं कि जो रैली जो जा रही है कितने मुश्किल हालात से, कितने जो यहाँ की वेदर कंडीशन है जियोग्राफिकल कंडीशंस है उन हालात से गुजरते हुए जा रही है, उसका एक्सपीरियंस करते हुए और लोगों के साथ अपने उनके जो जो मकसद है उसको भी बताते हैं।